राजधानी रायपुर में त्योहार का सीजन खत्म होते ही चारों ने धावा बोल दिया है। पुलिस त्योहार और चुनाव की थकान मिटा रही थी, तभी दूसरे राज्यों से चोर राजधानी में आकर बड़ी चोरी को अंजाम दे रहे थे। एक एक कर तीन बड़ी चोरियों के बाद पुलिस जागी है और चोरों की तलाश में जुट गई है। नतीजतन चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के छह लोगों को धर दबोचा है। अभी मास्टरमाइंड फरार है। रायपुर शहर में बीते तीन दिनों में तीन अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंतर्राज्यीय गिरोह ने अंजाम दिया था। चोर लाखों के सोने चांदी के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने बड़े प्रॉपर्टी डीलर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। इन घटनाओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। इसके बाद आखिरकार पुलिस ने तीनों चोरी की घटनाओं में संलिप्त चार महिला आरोपी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए गए 5 लाख से अधिक के कैश और सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। यह आरोपी ओडिशा और बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वही चोरी की घटना में संलिप्त दो मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह रही है। यह सभी शातिर पहले राजधानी रायपुर आए और यहाँ दावत उड़ाई, उसके बाद शहर के अलग अलग क्षेत्र में रेकी की, फिर प्लानिंग कर चोरी को अंजाम दिया। विगत दिनों रायपुर में तीन अलग अलग चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थाना की टीम जो है काम कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलेंस अन्य स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से इन तीनों मामलों में आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और उनके कब्जे से जो है चोरी में शामिल जो मसरूका है उसको जब्त किया गया है। लगभग इन तीनों चोरी में 5 लाख से अधिक कैश, तीन मोबाइल फोन और 341 ग्राम चांदी और 522 ग्राम सोना ये जब्त किया गया है। राजधानी रायपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस की व्यस्तता और शहर की सीमाओं में चेकिंग नहीं होने का फायदा उठाकर राजधानी में लगातार अंतर्राज्य चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बढ़ती वारदातों के बाद एक बार फिर से पुलिस की टीम एक्शन मोड पर आ गई है। आप देख सकते हैं शहर की सीमाओं में एक बार फिर से चेकिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और गाड़ियों की चेकिंग जो है एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, ताकि जिस प्रकार से लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही थी, इन्हें रोकने के लिए जो है अभियान जो है वो एक बार फिर से चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो रात्रि गश्त पर भी अब पुलिस ने जोर देना शुरू कर दिया है और सभी संदिग्ध क्षेत्रों में और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चोरी की वारदात हुई है वहाँ एक बार फिर से पेट्रोलिंग टीमों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। देखना होगा इस एक्शन के बाद चोरी की घटनाओं में कितनी कमी देखने को मिलती है। कैमरामैन मलकी सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।